स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी कुकिंग विद नीलू। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मटन चौमिन की एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैकेट चौमिन लिया है, 100 ग्राम मटन। हमको इसको अच्छे से काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारा मटन पक जाए अच्छे से। अगर मटन के टुकड़े बड़े रहेंगे तो आपका मटन पकेगा नहीं, ये बोनलेस मटन है। यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च लिया है जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी, एक बड़ी साइज की प्याज जिसे हमने कट कर लिया है, थोड़ा सा गाजर, आधा कटोरी मटर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 6 से 7 लहसुन की करी जिसे हमने काट लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च जिसे हमने काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1.5 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। चलिए अब मटन चौमिन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस पे एक पतीला चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे, पतीले में पानी भर के डालना है। पानी को हम लोग गर्म होने देंगे, पर उससे पहले इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच तेल, पानी में उबाल आने देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम लोग मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अब हम लोग इसमें डालेंगे काले मिर्च पाउडर, अब हम लोग इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर, अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक, नमक थोड़ा सा ही डालना है। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लोग इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को भी मटन में। अब हम लोग इसको 10 से 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख देंगे। पानी में हमारे उबाल आ चुका है, अब हम लोग इसमें चौमिन डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे। चौमिन को ज्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट हो गया है, हमारा चौमिन 75% तक कुक हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, अब हम लोग चौमिन को ड्रेन कर लेते हैं। चौमिन को ड्रेन करने के लिए हमने ऐसा बर्तन लिया है, इससे चौमिन का पानी आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग इसमें ठंडा पानी डालेंगे, ताकि हमारा चौमिन आपस में चिपके नहीं। हमने चौमिन पे ठंडा पानी अच्छे से डाल दिया है, अब हम लोग इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा चौमिन ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग मटन को फ्राई कर लेते हैं। गैस पे एक पैन चढ़ा लेंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। तेल आपको ज्यादा नहीं डालना है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें अब हम लोग मटन को फ्राई करेंगे। मटन को लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने मटन को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब चलिए हम लोग मटन चौमिन बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम लोग इसमें 4 से 5 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें लहसुन डालेंगे, अब हम लोग इसमें अदरक डालेंगे, हरा मिर्च, प्याज, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा, अब हम लोग इसमें मटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम लोग इसमें मटन ऐड करेंगे। हमने मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लोग मटन को लो फ्लेम पे 15 मिनट तक ढक के पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा मटन अच्छे से पक चुका है, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लोग इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गया है, हमारा शिमला मिर्च गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपने सारे सॉस डालेंगे, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि सॉस में भी नमक ही रहता है, हम लोगों ने मटन में भी नमक डाला है और चाउमीन में भी थोड़ा सा नमक डाला है, इसीलिए आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। अब हम लोग इसमें चाउमीन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट तक हमारा चाउमीन बनके तैयार है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और चाउमीन को सर्व करके दिखाते हैं। हमारा टेस्टी मटन चाउमीन बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये मटन चाउमीन की टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज लाते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।